शहर के चौराहों पर डंडे के बल पर पार्किंग माफिया द्वारा वाहनों से कराई जा रही अवैध वसूली पर हुई कार्रवाई को लेकर ऑटो चालक काफी खुश नजर आ रहे हैं और पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिजली घर चौराहे से वाहनों से अवैध वसूली करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शहर के चौराहों पर पार्किंग माफिया के गुर्गों द्वारा वाहनों से अवैध वसूली की जा रही थी। आगरा आए नवागत पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। शहर के सबसे व्यस्त बिजलीघर चौराहे पर बड़ा अभियान चलाया गया। आगरा पुलिस ने बिजलीघर चौराहे से वसूली करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद पार्किंग माफिया में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर ने अधीनस्थों को आदेश दिया है कि शहर के चौराहों पर कोई भी वाहनों से अवैध वसूली करता मिला तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिजलीघर चौराहे पर अवैध वसूली करने वालों के ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर ऑटो चालकों ने पुलिस की तारीफ की है। ऑटो चालकों का कहना है कि पार्किंग के नाम पर 30 रुपए की अवैध वसूली यानी गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब ये वसूली बंद हो जाएगी, जिससे वह काफी राहत महसूस कर रहे हैं। ऑटो चालक पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि आने वाले समय में वसूली चालू न हो, इसको लेकर लगातार अभियान चलता रहे। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि शहर के किसी भी चौराहे पर पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी। हर चौराहे पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो पार्किंग के नाम से अवैध वसूली कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अच्छा लग रहा है सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इसी हिसाब से रहा तो हमें और भी अच्छा ही लगेगा। जी देखो 10-20 रुपए हर एक ऑटो वाले से 20 रुपए भी 30 रुपए भी जो भी होता था वो ले लेते थे। तो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, माफिया को जेल भेजा है, कैसा लग रहा है? भाई हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, औरों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। पार्किंग माफियाओं से मुक्ति मिली? हाँ जी, हमें बहुत मुक्ति मिली जी। बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस वालों को, सभीयों को, मीडिया को, सबको ही बहुत बहुत शुक्रिया। 20-30 रुपए भी होती थी। अब पुलिस ने कार्रवाई की है, वसूली वालों को जेल भेजा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। वसूली बंद हो गई? जी सर। अब कोई वसूली नहीं हुई? तो पुलिस ने क्या अच्छी कार्रवाई की है या ट्रैफिक की व्यवस्था को भी सुधारा, क्या क्या हुआ? अच्छी कार्रवाई की है, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। जी सर। अब कोई वसूली नहीं? नहीं। वसूली यहाँ 30 रुपये गाड़ी पे लेते थे पार्किंग के नाम पर। बहुत बढ़िया लग रहा है और जी दोबारा वसूली चालू होनी भी नहीं चाहिए। बहुत खुशी है भाई साहब। ट्रैफिक की व्यवस्था क्या, हमारे होमगार्ड साहब भी लगे हुए हैं, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, कोई डग्गेमारी भी कम हो रही है। ऐसी लगा रहे तो हमारा भी काम सही चलेगा, सरकार का भी चलेगा सही। डीजी महाजन न्यूज़ के लिए ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट।